हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं अपोप्टोसिस, प्रोग्रामड सेल डेथ, और इसका हमारा सेकंड पार्ट है। तो हमने कल पढ़ा था अपोप्टोसिस, आज हम उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, जो तुमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था वो रिवाइज हो जाएगा और तुम अच्छे से याद कर पाओगे उस चीज को। अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पे, ठीक है, अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है और CSIR नेट की प्रिपरेशन करनी है, CSIR नेट की प्रिपरेशन करनी है जो आने वाला है नवंबर में एग्जाम, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे एजुकेटर से जुड़ सकते हैं। और आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 1 मंथ का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको 10% अगर ऑफ चाहिए तो आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना होगा, कुमकुम 10 आप अप्लाई कीजिए इस कोड को और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आई होप आप लोग अनअकैडमी से जुड़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपोप्टोसिस की, जिसमें जिसे बोलते हैं प्रोग्रामड सेल डेथ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अपोप्टोसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो पूरा प्लान की जाती है, जो पूरा प्रोग्रामड की जाती है, कि अगर एक सेल का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर सेल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल को हटाना पड़ेगा, वरना क्या करेगी वो और सारी सेल्स को खराब कर देगी। तो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस होती है, जो हमारे इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो गई हमारी बॉडी में, मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंज आ गया सेल में, बायोकेमिकल चेंज आ गया, फिर कोई भी चेंज आ गया बॉडी में, बॉडी की सेल में, तो क्या कराना पड़ेगा, उसका अपोप्टोसिस कराना पड़ेगा। और जो अपोप्टोसिस होता है, प्रोग्रामड सेल डेथ है। प्रोग्रामड मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, एक के बाद एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो और अपोप्टोसिस हो जाती है, सेल लाइसिस करा दी जाती है। आज हम पिछले वाली क्लास का थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे बढ़ जाएंगे। देखो, ये अपोप्टोसिस प्रोसेस थी, ये देखो तुम्हारी ये है नॉर्मल सेल, ठीक है। इसमें क्या है, क्रोमोसोम जो है हमारे इजीली ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई कंडेंसेशन नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर ऐसे पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ कि हमें पता चला सेल में कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले क्या होगा, सेल का अपोप्टोसिस स्टार्ट कैसे होगा, एक ही कैस्केड है, चेन ऑफ रिएक्शन है, चेन बनती है एक रिएक्शन की। तो देखो यहाँ पे क्या करा, सेल ने क्या करा, श्रिंक करा, श्रिंक मतलब थोड़ा पास पास आ गई। अब अगर सेल पास पास आएगी तो ये क्रोमेटिन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे, मतलब ये पास पास आ जाएंगे, ऐसे कंडेंस्ड हो जाएंगे, हो गए कंडेंस्ड। ये कंडेंस्ड होने के बाद क्या होगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, मतलब जो सेल की मेम्ब्रेन थी, देखो ब्लेबिंग हो गई यहाँ पे, मतलब वो हमारी इरेगुलर हो गई, वो पहले जैसी नहीं रही, तो स्टार्ट्स क्या हो गई, ब्लेबिंग, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो गई। और उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्गेनिलीज होते हैं वो भी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको क्या करना, क्या है, लाइसिस करना है, ब्रेकडाउन होना है या फिर सेल डेथ करानी है, तो धीरे धीरे चीजें टूटने लग जाती हैं, तो ऑर्गेनिलीज जो होते हैं डिसइंटीग्रेट होने लग जाते हैं, जो न्यूक्लियस होता है या फिर जो ऑर्गेनिलीज होते हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे एंड मेम्ब्रेन कंटिन्यू टू ब्लैब, वो और पास पास ऐसे करके आती जाएगी, देखो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे आती जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिनको बोलेंगे हम एपोप्टोटिक बॉडीज, क्या बोलेंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज। अब मुझे ये बताओ, इसमें देख के क्या हमारा जो साइटोप्लाज्म था या फिर जो फ्लूड था इसमें बाहर निकला, वो तो बाहर नहीं निकला, दैट मीन्स अगर ये बाहर नहीं निकला है तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी में इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा। ये कैसे हुआ, इन्फ्लामेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेल को पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसी चीज हो रही है, अपोप्टोसिस हो रही है, कोई फ्लूड बाहर नहीं निकला। अगर कोई फ्लूड बाहर निकलता तो हमारे जो भी साइटोकाइंस थे या फिर जो भी हमारी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन थी वो एक्टिवेट हो जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नाउ अब क्या होगा, ये अपोप्टोटिक बॉडीज जो होंगी वो फेगोसाइटोज कर ली जाएंगी बाय मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इनको फेगोसाइटोज कर लेंगे, देखो ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगी, नो इन्फ्लेमेशन एंड लाइसिस। दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। देखो एक और क्वेश्चन आता था, ये कल का मैं रिवीजन करा रही हूँ, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस आता है, ठीक है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या आता है, डिफरेंस आता है। अगर मैं एपोप्टोसिस की बात करूँ तो देखो उसमें या फिर तो सिंगल सेल का अपोप्टोसिस होगा या फिर कुछ क्लस्टर्स होंगे छोटे छोटे, उनका हो जाएगा। लेकिन नेक्रोसिस की बात होती है तो उसमें कंटिन्यूस जो सेल्स होती है, मतलब बहुत सारी सेल्स, कॉन्टिग्यूस सेल्स का होता है। एपोप्टोसिस जो प्रोसेस है वो हमारा इंटरनली वाला प्रोसेस है, मतलब इंटरनल अगर कोई डीनेचुरेशन हो गया
या फिर किसी सेल का डीनेचर्ड हो गई या फिर सेल में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो एपोप्टोसिस होगा। नेक्रोसिस क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स, जिससे तुम्हारी चोट लग गई, डेड सेल्स हो जाती है वहां पे, तो ये क्या प्रोसेस है? नेक्रोसिस प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? सेल का श्रिंकेज होता है जैसे मैंने बताया, और कॉन्वलेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाती है? सेल स्वेल कर जाती है। अब सेल स्वेल क्यों कर जाती है? सेल स्वेल इसलिए कर जाती है क्योंकि नेक्रोसिस में जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है तो जो फ्लूड होता है वो बाहर निकलता है। अगर फ्लूड बाहर निकलेगा मतलब इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स को पता चल जाएगा कि कुछ गंदा सा हुआ है या फिर कुछ चेंज हुआ है हमारी बॉडी में, तो वो क्या कर देंगी? इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स रिलीज करेंगी। इन्फ्लेमेशन होगा तो मतलब पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसीलिए जो नेक्रोसिस होता है सेल स्वेलिंग शो करता है। नाउ पिकनोसिस प्रोसेस होती है, कैरियोरेक्सिस प्रोसेस होती है, दोनों में ही। इसमें मतलब होता है कि न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, न्यूक्लियस हमारा डीनेचर्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन। मैंने तुम्हें बताया एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी लेकिन इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन रहेगी। इसमें क्या होगी? डिसरप्ट हो जाएगी, तभी ब्लड जो फ्लूड होगा वो बाहर निकलेगा। अगर ये डिसरप्ट नहीं होती तो सेल मेम्ब्रेन, तो फ्लूड बाहर नहीं निकलता। नेक्स्ट, इसमें साइटोप्लाज्म रिटेन्ड रहेगा, ये ऑब्वियसली। और इसमें साइटोप्लाज्म क्या होगा? रिलीज होगा, तभी क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इसमें, और इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये। नाउ कुछ और हमने इम्पोर्टेंट चीज बात करी थी कि दे कंटेन अ सिस्टीन रेसिड्यूज इन अ कैटालिटिक साइट एंड सेलेक्टिवली क्लीव प्रोटीन एंड अ सी टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कैस्पेसिस का। कैस्पेसिस का मतलब होता है सिस्टीन प्रोटीएज स्पार्टेट स्पेसिफिक। इसका मतलब हुआ कि जो कैस्पेज हैं वो सिस्टीन प्रोटीएजेस हैं जो क्या करती है, एक पर्टिकुलर एस्पार्टेट रेजिड्यू पे ही काटेंगी, एट सी टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट पे ही काटेंगी और कहीं नहीं काटने वाली हैं। एस्पार्टेट का वो क्या होता है, सिंबल क्या होता है? डी, ठीक है, क्या होता है? डी। नाउ 12 कैस्पेजेस आर आइडेंटिफाइड। एक होती है इनिशिएटर कैस्पेजेस और एक होती है इफेक्टर कैस्पेजेस। अगर मैं इनिशिएटर की बात करूँ तो वो है 2, 8, 9, 10, ठीक है, 2, 8, 9, 10। और अगर एग्जीक्यूशनर या फिर इफेक्टर की बात की जाए तो वो है 3, 6, 7। अब देखो डिफरेंस क्या है इनिशिएटर में और इफेक्टर में। इनिशिएटर क्या करती है? वो स्टार्ट करती है प्रोसेस को। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? खुद को क्लीव करना पड़ेगा, एक्टिवेट होने के लिए खुद को क्लीव करना पड़ेगा। तो वो क्या करती है? पहले खुद को क्लीव करती है, उसके बाद एक्टिवेट होती है। अगर इनिशिएटर कैस्पेसिस एक्टिवेट हो गई तो वो बाद में इफेक्टर और एग्जीक्यूशनर जो कैस्पेसिस होती है उसको एक्टिवेट करती है। ये पता था मैंने कैस्पेसिस इन सी एलिगेंस, उसमें कौन कौन से होते हैं? सेड 9, सेड 3, 4, 3 एंड एपोप्टोसिस। और एक और इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज EGL1। देखो ये क्या करके रखता है? इसको इनिबिट करके रखता है, ये इसको इनिबिट करके रखता है। अब डिफरेंस क्या है? तो ये याद रखना, जो EGL1 है ये सेड 3 है और सेड 4 है, ये क्या है हमारे? प्रो अपोप्टोटिक हैं। मींस क्या हुआ इसका? कि ये लोग एपोप्टोसिस कराएंगे, लेकिन जो सेड 9 है ये क्या करता है? एंटी एपोप्टोटिक है, ये रोकेगा उस चीज को। अगर ये रोक रहा था, सेड 4 को आगे नहीं बढ़ रहा था, तो मतलब एपोप्टोसिस नहीं होगी। लेकिन जो EGL1 है वो क्या करता है? इसको इनिबिट कर देता है, ठीक है, सेड 9 को इनिबिट कर दिया। अगर यही इनिबिट हो गया तो इस पे इफेक्ट नहीं आएगा इसका फिर। अगर नहीं आएगा तो सेट 4 फ्री हो जाएगा, सेट 3 अपना काम करेगा और एपोप्टोसिस हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस होता है। नाउ अगर सेट 9 का फंक्शन ही लॉस हो गया, अगर सेट 9 ने अपना फंक्शन ही लॉस कर दिया तो क्या होगा? एपोप्टोसिस होगी नहीं, मतलब एपोप्टोसिस इतनी होने लग जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, ये लीथल हो जाएगा किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चीज के लिए लीथल हो जाएगा ये। अगर EGL1 ने अपना फंक्शन लॉस कर दिया तो वो CDN सेट 9 को इनिबिट ही नहीं कर पाएगा। जब वो इनिबिट नहीं कर पाएगा तो ये सेट 4 को एक्टिवेट रखेगा, मतलब एक्टिवेट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से कोई भी अपोप्टोसिस नहीं होगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये। आज वाला पढ़ते हैं हम लोग, इसमें है मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये जो 5 मिनट का जो था मैंने वो तुम्हारा पूरा रिवाइज करा दिया पहले वाला, और अब हम पढ़ने वाले हैं नया जो एपोप्टोसिस से और रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और रह जाएगा इसका, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा एपोप्टोसिस। कभी भी इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसी से क्वेश्चन आने वाला है।
नाउ एपोप्टोसिस क्या होती है? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड रेगुलेटेड प्रोसेस होती है। मैंने तुम्हें बताया कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी रेगुलेटेड है, क्योंकि कंट्रोल्ड रिएक्शन है, ये प्रोग्रामड सेल डेथ है। दे कैन बी कैस्पेजेस डिपेंडेंट पाथवे, ऐसा हो सकता है कि कैस्पेजेस डिपेंडेंट पाथवे हो या फिर इंडिपेंडेंट पाथवे हो। मुझे इससे एक क्वेश्चन याद आया कि जब मैंने तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बताया था एक ऐसा फॉस्फोलिपिड होता है जो एपोप्टोसिस में काम आता है, जो हमारी इनर लीफलेट पे होगा और क्या करेगा, जब हमारी एपोप्टोसिस होनी होगी तो वो इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट पे जाएगा। तो तुम इसका क्वेश्चन या फिर तुम मुझे आंसर बताना अगर तुम कमेंट बॉक्स में दे सकते हो तो, नहीं तो खुद ढूंढ लेना, मत बताना बेशक, खुद ढूंढना। और अगर नहीं पता चलता है तो मेरी पीछे वाली क्लास देख लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगी। ओके नाउ एक्सट्रिंसिक और डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है जो पहला पाथवे है, ठीक है, इसके हम पाथवेज पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पाथवे जो है वो है इंट्रिंसिक पाथवे, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। ओके नेक्स्ट है द परफोरिन ग्रे एंजाइम पाथवे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों के तीनों पाथवे तुम्हें पता होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ देखो अब ये प्रोसेस होता कैसे है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोकैस्पेसिस क्या होती है, इज स्प्लिट, टूटती है इंटू अ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट दैट फॉर्म हेट्रोडाइमर, क्या बनाएगा, हेट्रोडाइमर एंड सच डाइमर्स असेंबल टू फॉर्म अ एक्टिव टेट्रामर। तो देखो क्या हो गया, जैसे ये हमारी कोई प्रोकैस्पेस थी, ये हमारी प्रोकैस्पेस थी, इसको क्या कर दिया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया। ऑटो कैटेलिटिक प्रोसेस होती है अगर इनिशिएटर प्रोटीन की बात करें तो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारी छोटी वाली हो गई और ये क्या हो गई, बड़ी वाली हो गई। ये दोनों ने मिलके क्या बनाया, हेटरोडाइमर बनाया, हेटरोडाइमर बनाया। अब क्या होगा, ऐसी दो यूनिट आके बाइंड कर जाएंगी साथ में, ये क्या हो गया, एक्टिव टेट्रामर हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोकैस्पेसिस हमारी काम करती हैं, और जैसे ही हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, वंस एक्टिवेटेड कैस्पेसिस क्लीव एंड देयरफॉर एक्टिवेट अदर प्रोकैस्पेसिस रिजल्टिंग इन एम्प्लीफाइंग प्रोटीलिटिक कैस्केड, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में बढ़ने लग जाएगा। जैसे माना ये वाली प्रोकैस्पेसिस हमारी थी 9 थी, ठीक है, इसने क्या करा, खुद को ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करी और कैस्पेसिस 9 में एक्टिव हो गई। इसने क्या करा, प्रोकैस्पेस 3 थी, उसको काटा, इसको काटा, उसके बाद क्या बन गया, कैस्पेस 3 बन गई। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे क्लीवेज होता है, उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में आती है। ओके नाउ पहला पाथवे है हमारा, दैट इज कैस्पेसिस डिपेंडेंट पाथवे, दिस इज कैस्पेसिस डिपेंडेंट इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Now, intrinsic apoptosis जो होती है उसको हम mitochondrial apoptosis भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें mitochondria जो होता है इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसे mitochondrial apoptosis भी बोलते हैं। Now, it can be activated intracellular damage, मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी intracellular damage हो जाए और ऐसा damage हो जाए जो repair नहीं हो सकता है, irreparable है, तो क्या होगा, cell को जाना पड़ेगा apoptosis के लिए, cell death के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। इफ द डैमेज इज इरिपेरेबल द सेल अंडरगो इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस। नाउ इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और द सेंट्रल लूप बाय रिलीजिंग अ साइटोक्रोम सी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारा, अगर आईसीएमआर और जेआरएफ की बात करूं या फिर सेक्शन बी की बात करूं, कि साइटोक्रोम सी जो है कहां से रिलीज होता है, कहां से रिलीज होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से। ओके तो ये साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हुआ, ये जो साइटोक्रोम सी होता है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है, याद रखना, इनिशिएट करता है इंट्रिंसिक पाथवे को और बाइंड करता है एक अडेप्टर प्रोटीन से, एक अडेप्टर प्रोटीन से बाइंड करता है जिसका नाम है APAF1। ओके अभी जो FF1 को क्या होता है, बाइंडिंग करने के लिए रिक्वायर होती है DATP की, डिऑक्सी ATP की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कैस्पेज एक्टिवेशन एंड साइटोक्रोम सी इन एडिशन। तो इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मैं इसका पूरा फिगर दिखाने वाली हूँ, उसके बाद सब समझाऊंगी, ठीक है। साइटोक्रोम सी की रिक्वायरमेंट होती है जब हमारा APAF भी आ गया DATP के साथ में, प्लस हमारा साइटोक्रोम सी भी आ गया, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, अब ये तीनों मिलके बनाते हैं एपोप्टोसोम, एपेप्टोसोम,
जो क्या होता है, 7 यूनिट कॉम्प्लेक्स होता है, जो क्या होता है, 7 यूनिट कॉम्प्लेक्स होता है। ये एपोप्टोसोम क्या करता है, प्रो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करता है, प्रो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करता है। देखो ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे सेल में कोई डीएनए डैमेज हुआ या फिर कुछ सेल की कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो एपोप्टोसिस कराने वाले हैं, जो एपोप्टोसिस कराते हैं, वो वाले क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे हमारा बैक्स हो गया, ठीक है, बैक्स हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स क्रिएट कर देगा। देखो पोर्स क्रिएट कर दिए यहाँ पे इसने, ये पोर्स क्रिएट कर दिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या कराएगा, रिलीज कराएगा साइटोक्रोम सी का, इस साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी हुआ, साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद क्या करेगा, APF1 आएगा, APF1 आएगा विद द हेल्प ऑफ DATP, और ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, एपोप्टोसोम बना देंगे। ये जो एपोप्टोसोम होता है उसमें 7 यूनिट्स होती हैं। अभी एपोप्टोसोम क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। प्रो कैस्पेज एक्टिवेट कैसे होगा, ऑटो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, खुद को काटेगा, ये काटने के बाद क्या कर देगा, खुद को एक्टिवेट कर लेगा। कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो गया, उसके बाद क्या करेगा, इफेक्ट करेगा प्रो कैस्पेज 3 पे, ठीक है, प्रो कैस्पेज 3 को काटेगा फिर से और कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देगा। और मैंने तुम्हें बताया कि कैस्पेज 3 क्या है, हमारी इफेक्टर प्रोटीन है, इफेक्टर कैस्पेज है, तो क्या करेगी, काम करेगी और जाके क्या करा देगी, अपोप्टोसिस करा देगी। अपोप्टोसिस कैसे होगी, हमारा मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, फेगोसाइटोस करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे इसकी। ओके देखो अभी मैंने तुम्हें बता दिया प्रोकैस्पेज 9 बनी। प्रोकैस्पेज 9 बनने के बाद अपोप्टोसोम में क्या करा, इसका ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी बनाया और प्रोकैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव कैस्पेज 9 में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ये जो कैस्पेज 9 थी, अब क्या करेगी, क्लीव करेगी प्रोकैस्पेज 3 को, ठीक है, प्रोकैस्पेज 3 को क्लीव करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने टारगेट को क्लीव करेगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, कैस्पेज 3 एक्टिव हो जाएगी। अब ये एक्टिव होगी तो उसके बाद क्या करेगी, ये सेल का श्रिंकेज करा देगी, न्यूक्लियर कंडेंसेशन करा देगी, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कराएगी, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होगी, अधेजन खत्म हो जाएगा और क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा लास्ट में उसको फेगोसाइटोसिस हो जाएगी उसकी बाय मैक्रोफेजेस। ये पूरा रिएक्शन होता है सेल लाइसिस का। जब भी हम सेल लाइसिस की बात करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि इंट्रिंसिक पाथवे क्या था, ठीक है। नाउ जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो हमारा रेगुलेट होता है बाय द BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। ये वाला जो पेज है, ये एक सेकेंड, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जो चीजें मुझे लगता है ना कि जो एग्जाम में आ सकती हैं या फिर जो आने, मतलब जो एक पर्टिकुलर हम चैप्टर पढ़ते हैं और एक टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ एपोप्टोसिस की, इसका हर पेपर में एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। और क्वेश्चन कहाँ से घूमता है, या फिर तो कैस्पेजिस से घूमेगा या फिर यहाँ से घूमेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यही यही आसपास से ही बनते हैं। देखो क्वेश्चन नहीं नए नहीं आने वाले, ठीक है, पुराने क्वेश्चंस पे ही आने वाले हैं। तो तुम्हें बस उसका पेपर का पैटर्न देखना पड़ेगा। जब तुम क्वेश्चन पेपर जब देखते हो तो तुम्हें आंसर देखना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि आंसर कैसा बनेगा। वो क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन में, आंसर सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन में इतनी मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि आंसर क्या था, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चंस अप्लाई करो, क्वेश्चंस को क्वेश्चंस करो इन टॉपिक्स के बाद में, और मैं भी कराऊंगी इस अपोप्टोसिस के क्वेश्चंस। तो उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड में कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ओके नाउ इंट्रिंसिक पाथवे इज रेगुलेटेड बाय द BCL2 फैमिली ऑफ अ प्रोटीन्स। BCL2 हैज बोथ एंटी अपोप्टोटिक एंड प्रो अपोप्टोटिक मेंबर्स। देखो BCL2 को तुम मानो एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारा एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स भी हैं
और जिसमें प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स भी हैं। एंटी अपोप्टोटिक कौन सी होती हैं? जो अपोप्टोसिस नहीं होने देती हैं, एंटी हैं, मतलब वो एंटी सोशल नहीं होता इंसान, मतलब वो सोशली गैदर होना पसंद नहीं करता, वैसे ये एंटी अपोप्टोटिक हैं, ये नहीं चाहती कि अपोप्टोसिस हो। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो चाहती हैं अपोप्टोसिस हो, जैसे प्रो अपोप्टो, प्रो मतलब बहुत ज़्यादा प्रो हैं इस चीज़ में, वो प्रो हैं अपोप्टोसिस कराने में, तो उनको याद रखो प्रो अपोप्टोटिक, एंटी मतलब जो नहीं कराने देंगे। एग्जाम्पल देखो, जो BCL2 फैमिली होती है उसमें जो BCL2 होता है वो हमारा एंटी अपोप्टोटिक होगा, और जो BCLXL होगा वो भी हमारा एंटी अपोप्टोटिक होगा। अगर मैं बात करूँ प्रो अपोप्टोटिक की, तो इसमें दो फॉर्म आते हैं, एक आती है BH3 फॉर्म, एक होती है BH123 फॉर्म। ओके, तो BH3 फॉर्म आती है, उसमें आती है हमारी बिड, बिक, बिम, प्यूमा एंड नॉक्सा। अगर मैं BH123 की बात करूँ तो इसमें आती है बैक एंड बैक्स। तो हमने पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी निकलवा रहा था, पोर्स बना रहा था, वो कौन सा था? बैक्स। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो SED4 है, यू नो जो SED4 कहाँ पे यूज हो रहा था हमारा? सी एलिगेंस में हो रहा था। सी एलिगेंस में ये क्या था? प्रो अपोप्टोटिक था। तो जो ये SED4 है वो हमारा होमोलॉग है, किसका होमोलॉग? किसका है? APAF का। ये क्वेश्चन में आता है कि SED4 किसका होमोलॉग है? APAF1 का होमोलॉग, एनालॉग नहीं है, होमोलॉग, याद रखो दिस इज होमोलॉग, है ना। और जो SED9 है, जो SED9 है वो होमोलॉग है किसका? BCL2 का। SED9 भी हमारा एंटी अपोप्टोटिक है और BCL2 भी अपोप्टोटिक है, एंटी अपोप्टोटिक है। जो SED4 है वो हमारा प्रो अपोप्टोटिक है और APAF1 भी प्रो अपोप्टोटिक है। आई होप ये चीज समझ आई होगी, क्योंकि ये तो आना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट है कैस्पेसिस डिपेंडेंट एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो देखो डिफरेंस देखो, अगर मैं इंट्रिंसिक पाथवे की बात करती हूँ उसमें मतलब है कि मेरे सेल के अंदर प्रॉब्लम हुई है, इंट्रा सेलुलरली कुछ प्रॉब्लम आई है, चाहे सेल का साइज ठीक नहीं रहा, चाहे सेल की यू नो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो वो इंट्रिंसिक प्रॉब्लम थी। जहाँ पे मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूँ, इन एक्सट्रिंसिक की बात करूँ मतलब कोई सेल है, सेल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम, मतलब कोई लेके आएगा सिग्नल कि ना ये प्रॉब्लम हो गई है, कोई एक्सट्रिंसिक मतलब सिग्नल लेके आया है कि यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, अब आपको एपोप्टोसिस करानी है। अगर इंट्रिंसिक की बात होगी तो सेल के अंदर ही सारा फंक्शन है, एक्सट्रिंसिक मतलब सेल के बाहर सारा फंक्शन है ना। अब इसे पढ़ लेते थोड़ा। अ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस एपोप्टोसिस। इसमें मतलब हुआ कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल होगा वो हमें रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है अगर अपोप्टोसिस करानी है। तो देखो अपोप्टोसिस कैसे हो सकती है, एपोप्टोसिस जो हो सकती है इंट्रिंसिक भी हो सकती है और एक्सट्रिंसिक भी होगी। इंट्रिंसिक का मतलब है कि बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, मतलब इंट्रा सेलुलर प्रॉब्लम है। ये क्या है? इंटर सेलुलर, सेलुलर के बीच में या फिर कहीं और हुई है, तो वहां से सिग्नल आएगा, उसको वहां से बाहर से पता चलेगा, ठीक है, कि अपोप्टोसिस करानी है। नाउ दीज एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स, अगर मैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल की बात करूं, बाइंड विद रिसेप्टर्स टर्म्ड एज डेथ रिसेप्टर्स। तो देखो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आएगा, अब देखो अपोप्टोसिस करानी है, ठीक है, हमें रिसेप्टर पे बाइंड कराना है, तो कैसे रिसेप्टर होंगे? वो तो डेथ का ही काम कराने वाले ना, तो उनको बोलते हैं डेथ रिसेप्टर्स, डेथ रिसेप्टर्स। तो ये देखो, ये हमारा एक्स्ट्रा कोई भी सिग्नल था, ये हमारा क्या हो गया? एक रिसेप्टर हो गया, जिसको बोला हमने डेथ रिसेप्टर, डेथ रिसेप्टर, है ना। इस डेथ रिसेप्टर का नाम अगर मैं पूछा जाए तो वो कौन सा है? फास रिसेप्टर, फास रिसेप्टर, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है? TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर से बिलोंग करता है, TNF फैमिली से बिलोंग करता है, और कौन सा रिसेप्टर है? फास रिसेप्टर है। अब इस रिसेप्टर के पास, अब रिसेप्टर हो गया हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए? हमें लिगेंड तो चाहिए उसे बाइंड करने के लिए, कुछ तो चाहिए जो उसे बाइंड करेगा। तो लिगेंड का नाम जो होता है वो होता है फास एल, फास एल जो होगा वो लिगेंड होगा, और जो फास होगा वो रिसेप्टर होगा। देखो ये रिसेप्टर हो गया और ये क्या हो गया? लिगेंड हो गया, फास एल,
देखो ये देखो, पहले पहले ये समझते हैं, उसके बाद हमारा पूरा प्रोसेस तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। और फिर हम एक बार क्या करेंगे, लास्ट में सारी चीजों को थोड़ा तेज तेज रिवाइज कर देंगे। तो तुम्हारे दिमाग में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी ना कि तुम्हें ये समझ आया ये नहीं आया, तो हम लास्ट में सारे एक बार रिवाइज कर देंगे, तेज तेज बोल के सब चीजें रिवाइज कर देंगे। देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हमारा है, ये लिगेंड है। लिगेंड का नाम क्या है, फास एल। ठीक है, फास एल है। फास एल क्या होगा, इसके पास डेथ रिसेप्टर है, फास रिसेप्टर। अब देखो ये क्या है हमारा, ट्राइमेरिक है, तीन है इसमें, ट्राइमेरिक है। यहाँ पे ये आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक डोमेन होता है या फिर जिसे बोलते हैं एडेप्टर्स होते हैं, जिसका नाम है FADD। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एडेप्टर्स होते हैं। ये क्या करेंगे, इधर से इन सिग्नल देंगे आगे, आगे क्या सिग्नल देंगे, प्रो कैस्पेज 8 को, जो एक इनिशिएटर कैस्पेज है, प्रो कैस्पेज 8 को क्या बोलेंगे कि आप एक्टिवेट हो जाइए। प्रो कैस्पेज 8 क्या करेगा, खुद का ऑटो कैटलिटिक कराएगा और ऑटो कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैस्पेज 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कैस्पेज 8 होता है उसको क्या करने पड़ेगा, देखो ये तो हमारा क्या हो गया, इनिशिएटर वाला हो गया। अब इसको इफेक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इफेक्टर जो कैस्पेजेस हैं, कौन कौन सी थी हमारी, 3, 6, 7, उन लोगों के पास जाएगा, उसके प्रो कैस्पेज वाली प्रॉपर्टी को कैस्पेज में कन्वर्ट कर देगा। एक्टिव फॉर्म में तो आना चाहिए, जैसे ही एक्टिव आएगा, फॉर्म में आएगा, तो जो भी हमारी प्रोसेस हुई थी, डीएनए डीनेचुरेशन, फ्रेगमेंटेशन, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, अपोप्टोटिक बॉडीज, ये सारा प्रोसेस होगा और क्या हो जाएगी, अपोप्टोसिस हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे का, आपको समझ आया होगा आई होप। अब हम पूरा पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम रही है या फिर कुछ भी समझ नहीं आया आपको, तो वहां से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आया है, और जो आया है सिग्नल उसको बोला है हमने फास, सिग्नल को बोला है फास एल, दैट इज लिगेंड, और जो रिसेप्टर है उसको बोला है फास। तो इसमें है जो फास एल है, जो लिगेंड है, अभी मैंने दिखाया तुम लोगों को, ये जो लिगेंड है ये क्या है, होमो ट्राइमेरिक है, तीन है, सेम है, होमो ट्राइमेरिक है, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब होता है, जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस करेगा, ये हमारा लिगेंड है। ठीक है, होमो ट्राइमेरिक एंड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, नाउ दे एक्सप्रेस्ड एट टी लिम्फोसाइट। ये कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, हमारे टी लिम्फोसाइट्स पे एक्सप्रेस होते हैं, जो मेनली है टी सी सेल, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो ये मेनली वहां एक्सप्रेस्ड होते हैं, या फिर ये कहाँ मिलते हैं, एनके सेल्स पे। तो समझ आया, फास हमारा रिसेप्टर था, फास के रिसेप्टर के ऊपर फास एल बाइंड कर गया, ये क्या है हमारे होमो ट्राइमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जो कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, हमारे टी लिम्फोसाइट्स में होते हैं एंड एनके सेल्स में होते हैं। अब क्या होगा, इन इंटरेक्शन होगा दो चीजों के बीच में, इंटरेक्शन होगा दो चीजों के बीच में, किसके बीच में, फास के बीच में और फास एल के बीच में। ठीक है, इंटरेक्शन हुआ फास के बीच में और फास एल के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा अडेप्टर प्रोटीन जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या नाम था उसका, FADD, जिसका नाम है फास एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेथ डोमेन। तो तुम्हें पता चल गया डेथ डोमेन था इसके अंदर, और फास क्या हुआ है, उसी से एसोसिएट हुआ है। ठीक है, तो फास एसोसिएटेड प्रोटीन विद द डेथ डोमेन, दैट इज FADD, बाइंड टू द फास। तो ये हमारा रिसेप्टर था, रिसेप्टर के पास क्या होता है, यहाँ पे FADD लगे होते हैं, जिनमें क्या होता है, डेथ डोमेन में आके बाइंड कर जाते हैं। एंड डेथ इफेक्टर डोमेन जो होते हैं, जो डेथ इफेक्टर डोमेन होंगे, वो बाइंड कर जाएंगे हमारे प्रो कैस्पेज 8 से। आया समझ, जो फास था, फास एल ने बाइंड करा, फास एल ने बाइंड करा, तो क्या हुआ, जो फास के ऊपर एक डेथ डोमेन होता है, जहां पे हमारा FADD होता है, दैट इज फास एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेथ डोमेन। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा, डेथ इफेक्टर डोमेन को बाइंड करवा दिया प्रो कैस्पेज 8 से। अब ये डेथ इफेक्टर डोमेन क्या करेगा, इस प्रो कैस्पेज 8 को ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस करवाएगा, ऑटो कैटालिसिस कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कैस्पेज 8 होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब ये एक्टिवेट हो गई तो वो क्या करेगी, जो हमारी फर्दर थी 3, 6, 7, इनको क्या कराएगी, उनके प्रोकैस्पेसिस को तोड़ेगी और उनको एक्टिवेट करा देगी। उसके बाद क्या होगा, एपोप्टोसिस
हो जाएगी। ठीक है, एक और बार ये फिगर देख लो बेशक। देखो ये फास था, ये हमारा फास रिसेप्टर थे, ये हमारे ये वाले यहाँ पे फास लिगेंड आके बाइंड करा। इसके डेथ डोमेन था, देखो ये डेथ डोमेन था जो था हमारा FADD। उसके बाद डेथ इफेक्टर डोमेन हो गया, डेथ इफेक्टर डोमेन ने क्या करा, प्रोकेस्पेज 8 से बाइंड करा, इसको ऑटो कैटेलिसिस करवा दी, इसकी टेट्रामर बनवा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, कैस्पेज 8 हमारी एक्टिव हो गई। ये एक्टिव होने के बाद एक्टिवेशन हो गया एक्सपेसिस का जो इफेक्टर वाली थी, और एपोप्टोसिस हो गई। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी चीज। अब हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, उसके बाद फिर हम इस चीज को रख देते हैं। देखो अपोप्टोसिस क्या होती है, प्रोग्रामड सेल डेथ पूरा फिनोमेना होता है, जिसमें क्या होता है पूरा प्रोसेस चलता है, कैस्केड ऑफ रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, मैं सी एलिगेंस वाला पढ़ा जिसमें SED9, SED4, SED3 एंड EGL1 होता है। EGL1 जो होता है SED9 को इनिबिट करके रखता है, ठीक है, और SED9 क्या करता है, SED4 को इनिबिट करके रखता है। तो जो EGL1 है, SED4 है, SED3 है, ये हमारे क्या है, प्रो अपोप्टोटिक है। SED9 क्या है, हमारा एंटी अपोप्टोटिक है। ओके, ये वाला प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा इंट्रासेलुलर डैमेज होगा कोई, उसके बाद क्या होगा, हमारा बैक्स रिलीज होगा। बैक्स बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को कि तुम साइटोक्रोम सी निकालो, वो साइटोक्रोम सी निकालेगा, ठीक है, वो साइटोक्रोम सी निकालेगा। साइटोक्रोम सी के साथ अब उसको एपीएफ चाहिए। ये एपीएफ क्या करेगा, इसको चाहिए होगी एटीपी। ओके, तो ये क्या करेगा, एटीपी की हेल्प से एपीएफ और साइटोक्रोम सी तीनों साथ में आ जाएंगे, ये क्या बना लेंगे, एपोप्टोसोम बना लेंगे। अभी एपोप्टोसोम क्या करेगा, प्रोकेस्पेज 9 को बोलेगा कि तुम ऑटो कैटालिसिस करो, अपने आप को तोड़ो। प्रोकेस्पेज 9 क्या करेगा, खुद को तोड़ेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, फर्दर प्रोकेस्पेज 3 को तोड़ेगा और केस्पेज 3 एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी एपोप्टोसिस हो जाएगी। ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक की पाथवे की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा एक लिगेंड होता है जिसे बोलते हैं फास एल, और एक रिसेप्टर होता है जिसे बोलते हैं फास, ठीक है। इस फास रिसेप्टर पे फास लिगेंड आके बाइंड करेगा। अब इस रिसेप्टर पे क्या होता है, एक डेथ डोमेन होता है, एक डेथ इफेक्टर डोमेन होता है, जो एक प्रोसेस होता है अडेप्टर FADD, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये डेथ डोमेन क्या करेगा, आगे प्रोसेस को पास करेगा डेथ इफेक्टर डोमेन के पास में कि जाओ तुम प्रोकेस्पेज 8 को एक्टिवेट करो। प्रोकेस्पेज क्या करेगा, खुद को तोड़ेगा, हेट्रोटेट्रामर बना देगा, और ये केस्पेज 8 जब एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिवेशन करा देगा केस्पेज 3, 6, 7 का, एंड अपोप्टोसिस हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस पूरा समझ आया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जो मैं क्लास लेती हूँ वो मॉर्निंग में 10 AM होती है और इवनिंग में, अभी तो मैं ले रही हूँ, खैर 8 PM होती है, ठीक है। ये मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, और आपको कोई भी इश्यू है, क्योंकि मैं वहाँ पे क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, मैं वहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स भी ले रही हूँ जिनके साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट करा रही हूँ, तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ। सेकेंडली, अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जो आने वाला एग्ज़ाम है नवंबर या फिर जो दिसंबर में एग्ज़ाम आने वाला है, आप उसको अच्छे से क्लियर करें, आप अच्छे अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितने मंथ्स का लेना है, 6 का लेना है, 12 का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको अगर चाहते हैं कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपको सारी क्लासेस को डीपली पढ़ना है, और आपके पास टाइम है अभी कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर कोई भी आपको इशू आ रहा है किसी चीज़ में, तो आप प्लस पे आइए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपको इसमें 10% ऑफ चाहिए, कि आपको 10% ऑफ मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, KUMKUM10 कोड अप्लाई करना पड़ेगा। इस कोड को अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप कैसे भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो, EMI के थ्रू हो, आप कैसे भी पे कर सकते हैं, और आपकी हम हेल्प करेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको कुछ क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही चीज़ें समझ आती हैं, वरना नहीं चीज़ें समझ आती हैं।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास. थैंक यू सो मच.